दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है जिसका हर अंग का अपना काम है। अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में कोई समस्या होती है तो उसके कारण पूरा शरीर प्रभावित होता है। इन्हीं अंगों में से एक है हमारी आँखें, जिनके कारण हम इस दुनिया में, इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। आँखों या दृष्टि में छोटी सी समस्या का असर हमारे रोजाना कामों पर पड़ता है, लेकिन हम अपनी आँखों के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं और आँखों का ध्यान नहीं रखते। आँखों की देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर के दूसरे अंगों की। तो आइए जानते हैं आपको अपनी आँखों का ध्यान कैसे रखना है और कैसे बना सकते हैं अपनी आँखों को हेल्दी। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आँखों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ आँखों की समस्याओं से बचाव संभव नहीं है। खास तौर पर उम्र के बढ़ने पर कुछ आँखों की समस्याएँ होना सामान्य है। हालांकि कुछ फैक्टर्स आँखों में होने वाली समस्याओं का कारण बनते हैं और इन्हें बढ़ा सकते हैं। कुछ बीमारियाँ जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ये आँखों की समस्याओं का मुख्य कारण है। आँखों में कोई इन्फेक्शन या चोट लगना भी आँखों की परेशानियों का कारण हो सकते हैं। वायु प्रदूषण, धुआं, धूल मिट्टी या केमिकल्स के संपर्क में रहने से भी आँखों को कई रोग हो सकते हैं। सूरज की रोशनी में अधिक देर रहना भी आँखों की बीमारियों का कारण बनते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सामने अधिक समय तक बैठना और उनका अधिक प्रयोग करना भी आँखों की परेशानियों का कारण बन सकता है। आँखों की देखभाल आप घर पर भी कर सकते हैं। आँखों की देखभाल के कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जैसे ठंडा पानी। अपनी आँखों को दिन में कई बार ठंडे पानी से साफ करें, इससे आपकी आँखें फ्रेश होंगी और उन्हें आराम मिलेगा। आँखों का ध्यान रखने में एलोवेरा आपकी मदद कर सकता है। एलोवेरा भी आँखों के लिए बहुत प्रभावी औषधि है। एलोवेरा का जूस अगर आप कॉटन में लगाकर अपनी आँखों पर रखेंगे तो उनसे आँखों को आराम मिलेगा। अगर आप खीरे के टुकड़े या खीरे के जूस को कॉटन में लगाकर अपनी आँखों पर रखते हैं तो आँखों के आसपास रगड़ेंगे तो आपकी आँखों के चारों तरफ की रेडनेस से छुटकारा मिल जाएगा। और कैमोमाइल टी आँखों को धोने के लिए बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी वॉश है। इससे आपकी आँखों में होने वाली छोटी समस्या या इन्फेक्शन से राहत मिल जाती है। दोस्तों, आँखों का ध्यान संतरे के छिलके से भी रख सकते हैं। संतरे के छिलके में ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें शरीर में हिस्टामाइन की प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए उपयोगी माना गया है। आप इसका प्रयोग वाटरी आइस की समस्या में कर सकते हैं। आँखों की सूजन को कम करने के लिए आप टी बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने आँखों की सूजन कम करने के लिए कभी गुलाब की पत्तियों के रोज वाटर का प्रयोग किया है? अगर नहीं तो करके देखिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तुलसी में विटामिन ए होता है जो आँखों की रोशनी के लिए बहुत बढ़िया है। तुलसी के रस को कॉटन में लगाकर प्रयोग करने से आपको अच्छा महसूस होगा। टी बैग्स का प्रयोग आँखों की थकावट दूर करने के लिए बेहद उपयोगी है। इसके लिए टी बैग को कुछ देर फ्रिज में ठंडा कर लें और उसके बाद आँखों पर रखें। आपकी थकावट दूर होगी और यही नहीं, यह तरीका डार्क सर्कल्स को दूर करने में भी प्रभावी है। इसके अलावा, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ रोग जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर आदि आँखों के लिए बेहद नुकसानदायक हैं, इनसे बचने के लिए आपको रोजाना व्यायाम करना चाहिए। अपने वजन को संतुलित रखें ताकि इन रोगों का खतरा कम हो और आपकी आँखें हेल्थी रहें। स्मोकिंग करने से कुछ फ्री रेडिकल्स निकलते हैं जो आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए स्मोकिंग करने से बचें। और दोस्तों, ग्रीन टी में मौजूद तत्व डायबिटीज और हार्ट डिजीज से बचने में मदद करते हैं और आँखों के रेटिना व लेंस को स्वस्थ रखने में भी आपकी सहायता करते हैं। अगर आँखों के रोगों से बचना है तो अपने आहार को हेल्दी रखें। ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक हों। जानिए आपको क्या क्या आँखों को हेल्दी रखने क्या खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, किशमिश और अंजीर का सेवन करें। गाजर और आंवले का सेवन करें। विटामिन ए युक्त आहार का सेवन करें। कॉपर वाले आहार का सेवन करें। हरी सब्जी और फल खाएं, साबुत अनाज खाएं और दालों का सेवन करें। अपनी आँखों का ध्यान रखने के लिए आँखों का नियमित रूप से व्यायाम करें। इसके लिए अपने आई बॉल सही दिशा में घुमाएं और रोजाना इस व्यायाम को कुछ देर करने से आपको फ़ायदा मिलेगा और आँखों को आराम मिलेगा। आँखों के ऊपर मालिश करना उन लोगों के लिए अच्छा व्यायाम है जो अधिक देर तक कंप्यूटर के सामने काम करते हैं। इसके लिए अपनी आईब्रोज को अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में पकड़ें ताकि आपका अंगूठा आईब्रो के ऊपर हो और इंडेक्स फिंगर नीचे हो। इसके बाद धीरे धीरे आँखों की मालिश करें, इससे भी आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा देना
ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।